हेलो स्टूडेंट, क्लास फोर के स्टूडेंट्स, आप लोगों को मालूम है कि मैं सेल्फ प्रैक्टिस 3E क्वेश्चन नंबर 1 to 10 पहला से लेकर के आपको 10वां तक मैं क्वेश्चन सॉल्व किया हूं, एक्सप्लेन किया हूं, समझाया हूं। कुछ क्वेश्चंस को बोले थे कि आप लोग घर पर बैठ करके बनाइएगा। आज आप लोगों को मैं सेल्फ प्रैक्टिस 3F स्टार्ट कर रहा हूं। ये वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है। पहले आपको क्वेश्चन को समझना है कि ये बोल क्या रहा है, उसके अनुसार आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका, द प्राइस ऑफ ए बाइक इज 45,825। कह रहा है कि एक बाइक का दाम 45,825 रुपया है एंड दैट ऑफ ए कार इज 3,97,899 और एक कार का दाम 3,97,899 है। विच ऑफ द टू कॉस्ट मोर, करे के दोनों में से किसका प्राइस ज्यादा है एंड बाय हाउ मच, और कितना ज्यादा है। ये क्वेश्चन यही कह रहा है कि आपको एक बाइक का प्राइस दे दिया है, एक कार का दे दिया है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि ये दोनों में से किसका प्राइस ज्यादा है, नाम बताइए और साथ ही साथ कितना है। तो आप फर्स्ट लिखेंगे कि प्राइस ऑफ एक बाइक, तो 45,825 आपका हो गया। नेक्स्ट प्राइस ऑफ ए कार कितना दिया है आपका, 3,97,899। इसके बाद ये दोनों में से देख रहा है कि किसका ज्यादा है, तो कार का ज्यादा है, तो एक आंसर आपका क्या हो गया, कार। और कितना ज्यादा है, तो 3,97,899 में से माइनस कर देंगे 45,825। जैसे ये माइनस करेंगे तो देखेंगे क्या आएगा। तो आप इसको ऊपर लिख लीजिए ऐसे 3,97,899 ऊपर लिख लिए, इसके बाद 45,825 नीचे लिख लेंगे। अब इसको माइनस करेंगे, 9 में से आपका 5 गया तो 4 हो गया, यहां 9 में से आपका 2 जाएगा तो 7 हो गया, ये 8 और 8 सेम डिजिट है तो आपका हो जाएगा 0, ये 7 में से आपका 5 जाएगा तो हो गया 2 और यहां आपका बच गया 9, 9 में से 4 जाएगा आपका तो हो गया 5 और 3 है तो 3। इस प्रकार आपका 3,52,074 ये आपका आंसर हो गया, 3,52,074 ये आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर अब 2 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपको, बाय हाउ मच इज 88,720 ग्रेटर देन 79,231। कह रहा है कि 88,720 कितना ज्यादा है 79,231 से। तो आप 88,720 को ऊपर लिखेंगे, 79,231 को नीचे लिखेंगे। अब इसके बाद माइनस करेंगे, इसमें से कैरी ले लेंगे, इसमें ये आपका हो गया 10, 10 में से आपका 1 जाएगा तो हो गया 9, यहां आपका बच गया 1, 1 में से 3 नहीं जाएगा, इसमें से कैरी लेंगे इसमें तो आपका हो जाएगा 1 यानी 11 हो जाएगा, 11 में से आपका 3 जाएगा हो गया 8, यहां बच गया आपका 6 और 6 में से 2 जाएगा आपका तो 4, यहां है 8, 8 में से 9 आपका नहीं जाएगा, इसमें से इसमें ले लेंगे 1 कैरी तो आपका कितना हो जाएगा 18 और 18 में से 9 जाएगा तो आपका हो गया 9 और यहां बच गया 7, 7 में से 7 जाएगा तो आपका आ गया 0।
फिर एक बार मिला लेंगे कि क्या रॉन्ग है या राइट है। किसी भी क्वेश्चन को बनाने के बाद एक बार जरूर देखना है को गलत है या सही है, अपने से एक बार ऊपर से नीचे तक यानी कि अच्छी तरह से देख लेंगे। ये मैं देख रहा हूं कि जीरो में से आपका वन नहीं जाएगा, तो इसमें से कर ही लेंगे। इसमें इस प्रकार हो गया ये आपका टेन, और टेन में से वन जाएगा तो आपका क्या हो गया नाइन। यहां बच गया वन, वन में से थ्री आपका नहीं जाएगा, इसमें से कैरी ले लेंगे तो इलेवन, इलेवन में से थ्री आपका चला गया तो एट आ गया। यहां हो गया आपका सिक्स, और सिक्स में से टू जाएगा आपका तो फोर। यहां आपका है एट, एट में से नाइन नहीं जाएगा, इसमें से कैरी ले लेंगे एट्टीन, एट्टीन में से नाइन जाएगा तो नाइन। यहां बच गया आपका सेवन, और सेवन में से सेवन जाएगा तो जीरो। इस प्रकार आपका आंसर 9489 हुआ, यानी 79,231 में 9489 को प्लस कर देंगे तो आपका 88,720 आ जाएगा। तो कोई पूछेगा आपसे कि 88,720 लाने के लिए 79,231 में क्या प्लस करेंगे, तो आपका 88,720 आ जाएगा। तो बोलेंगे आप कि 9,489 को 79,231 में प्लस कर देंगे तो आपका 88,720 आ जाएगा। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर अब थर्ड पर आइए। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 60,401। कह रहा है कि दो संख्याओं का योग आपका 60,401 है, यानी दो संख्या को जोड़ी जा रही है तो आपका 60,401 है। इफ वन नंबर इज 58,735, जिसमें आपको एक संख्या दी हुई है 58,735 यानी 58,735, तो फाइंड द अदर नंबर्स, तो दूसरी संख्या क्या होगी। आपको छोटा सा एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मान लेते हैं कि 10 रुपया लाना है, पहले से मेरे पास 4 रुपया है, और कितना उसमें प्लस कर देंगे अपने पास, और कितना रुपया हम इकट्ठा कर लेंगे तो 10 रुपया हो जाएगा, तो और 4 में 6 प्लस कर लेंगे तो 10 रुपया होगा ना। तो ये कैसे मालूम चला, तो जब 10 में से 4 को माइनस किए तब जाकर मालूम चला कि और 6 रुपीज की आवश्यकता है मुझे। उसी तरह 60,401 है दो संख्याओं का योग, उसमें से फर्स्ट संख्या दी हुई है 58,735, तो सेकंड नंबर के लिए आप 60,401 में से माइनस कर देंगे फर्स्ट संख्या को, यानी कि आप लिखेंगे सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू 60,401 लिख देंगे। इसके बाद वन नंबर इक्वल टू 58,735। अब अदर नंबर निकालना है तो लिखेंगे अदर नंबर इक्वल टू 60,401 माइनस 58,735 को माइनस कर देंगे। देखिए पहले आप ऊपर लिख लेंगे 60,401, आप ऊपर लिख लिए, इसके बाद नीचे में 58,735 को नीचे लिख देंगे। ध्यान दीजिए, मैं देख रहा हूं को 1 में से 5 आपका नहीं जाएगा। कितना बच्चे ऐसा करते हैं कि नीचे से ऊपर वाले को घटा देते हैं और बोल देते हैं हो गया, तो वो रॉन्ग प्रोसेस है, ऐसा कुछ नहीं होता है। 1 में से आपका 5 नहीं जाएगा, तो देख रहा है कि यहां से कैरी लेंगे, लेकिन यहां भी देख रहा है कि 0 है, तो इसमें से कैरी लेंगे इसमें, ये अब आपका हो गया 10, उसमें से कैरी ले लेंगे 1 में, तो हो जाएगा आपका 11। अब 11 में से 5 जाएगा तो आपका हो जाएगा 6। 11 में से 5 आपका गया तो हो गया 6।
यहाँ बच गया आपका 9, क्योंकि 10 था, 10 में से कैरी ले चुका हूँ, तो यहाँ बच गया 9, और 9 में से 3 जाएगा तो आपका हो गया 6, यहाँ आपका हो गया 3, 3 में से 7 मैं देख रहा हूँ कि नहीं जाएगा, तो फिर इसमें से कैरी लेंगे इसमें 10, और इसमें से कैरी इसमें ले लेंगे तो 13, अब 13 में से आपका 7 ले जाना है, घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो 7 के बाद आप काउंट कर लेंगे 8, 9, 10, 11, 12, 13, आपका कितना हो गया 6, यहाँ लिख देंगे 6, यहाँ आपका हो गया 9, और 9 में से 8 आपका माइनस होगा तो 1, और यहाँ बच गया आपका 5, और 5 में से 5 गया, ये आपका हो गया 0। इस प्रकार आपका 1666 आ गया, यानी कि अदर नंबर इक्वल टू आपका आया 1666, यह आपका आंसर हो गया। इस प्रकार आप घर पर बैठकर सेल्फ प्रैक्टिस 3F पढ़ेंगे, अच्छी तरह से बनाएंगे, क्वेश्चन को समझेंगे कि मैं कैसे समझाया हूं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक करते रहिए, और इस एक्सरसाइज को घर पर बैठकर रिवीजन कीजिए। थैंक यू।